नरेंद्र मोदी के शपथ की जबरदस्त तैयारी। भूटान, श्रीलंका को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। नेपाल और बांग्लादेश को भी भेजा गया न्योता। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। पाकिस्तान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर अमेरिका से भी बधाई आई है, जो बाइडन, राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी बधाई दी है। इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे। शपथ ग्रहण होगा और अमेरिका के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें शामिल होंगे। जानकारी सामने आई, जैक सेल्विन 8 जून को भारत आएंगे। कई विदेशी मेहमानों को भी न्योता इस मौके पर शामिल होने के लिए दिया। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते। नया ओथ लेने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत देख रही है। इंडिया की ग्रोथ नहीं रुक सकती क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है। हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए, ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आ चुकी है और 8 जून को उनकी ओथ सेरेमनी है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर इस सेरेमनी में आएंगे, क्या कहेंगे। हमने पहले पिछले साल देखा कि इंडिया ने जो है G20 की मीटिंग वहां पर होस्ट करवाई, दुनिया भर की 20 बड़ी इकोनॉमीज उस मीटिंग में आई। और अब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं, उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर। सबसे पहले तो देखा जाए जी, एक बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट की बात है कि वो तीसरी दफ़ा, वो कहते हैं ना मोदी सरकार वापस आ रही है, ठीक है। और आ रही नहीं, आ चुकी है। हाँ वही बात आ गई जी, वो आ रही नहीं आ चुकी है। 8 को भी मतलब अभी दो दिन पड़े हुए हैं, दो दिन बाद उनकी जो है ना वो इनॉग्रेशन है। और सेकेंड थिंग ये देखा जाए कि जैसा कि वो आपने बताया कि वो जैसे अदर ममालिक के जितने भी असर व रसूख रखने वाले जो बड़े बड़े वज्रा हैं या कह लें कि उनके वजीर आजम हैं या किंग कह लें, उनको बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगा, जाना तो चाहिए लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के साथ जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं, देखा जाए जी नरेंद्र मोदी का एक पूरा खिताब है, वो एक जगह खिताब कर रहे थे, बड़ा मशहूर खिताब हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था जी वो पाकिस्तान आए थे और किसी की शादी में आए थे, ठीक है, वो बगैर वीजा के आए थे, बगैर वीजा छोड़ दे, बगैर किसी इजाजत के आए थे। बगैर वीजा तो बड़ी दूर की बात है, पाकिस्तान की एयरलाइंस में भी अचानक ही इस तरह कोई आपकी वो कहते ना फिजाई हदूद यूज भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते ना हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो तब की बात है। अब देखते हैं ना अब ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचते हैं हमारे। हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून को जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा है। पाकिस्तान के अवाम ये कहती हुई नजर आई है, नरेंद्र मोदी के जो यार हैं वो नवाज शरीफ हैं और वहाँ पे उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इसलिए वो बार बार चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो। लेकिन अब ये देखें कि अब क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब भी आ गए और यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट भी आ गई है, तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये आ जाती है, अब कहते ना इंसान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते ना एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी तो यही दुआ है। वो कितने फिर वो बात आ जाए जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ठीक है जी। इस तरह अभी आप हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर बात करें, कि आपको लगता है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ तो साफ शफाफ हुआ था। नहीं, दुनिया भर में हमारा जो है मजाक उड़ाया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया है, एक महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब इंडिया में देखें कैसे इलेक्शन हुए, ऐसे इलेक्शन हुए और ऐसे रिजल्ट आ गए। सर वो कौम है, ठीक है जी, उनको पता है उन्होंने वोट किसको दिया है और उन्होंने इक्तदार में किसको लेके आना। यहाँ पे ये कौम है जनाब साहब, रात को पता चल रहा है जी डार साहिबा हार रही हैं और सुबह पता चलता है जनाब विनिंग सीट पे कोई आया हुआ है, ठीक है। वो सारी रात बेचारे इकरार भाई और क्या कहले वसीम बदामी साहब चीख चीख के बताते रहे हैं जी कम से कम 1,00,000 का डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है, सुबह पता चलता है जी वही 50,000 से हार चुकी हैं। पाकिस्तान का ये तो कानून है, कानून की तो बात चले रहने दी। अगर हम अपने पासपोर्ट की बात कर लें जी, हमारे क्या ताल्लुकात,
हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी, पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकता है, पाकिस्तानी बनाए खा अपनी मस्जिद ही बना ले, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है, कोई इतनी बड़ी कह दें कि पाकिस्तान की जानिब से इतनी बड़ी जो है ना मस्जिद बनाई जा रही है जी, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, चाहे वो डोनेशन दें जो मर्जी करें, इतनी औकात नहीं है हमारे। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे, और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं, और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। दो चीज़ें, वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और साढ़े पंजाबी कहते ने अग्गा दौड़ तो पिछा चौड़, सो इसमें यह है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी, इमीडिएट नेबरहुड जिसमें पहले डेफिनेशन ये थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मुझे बताएं ये इमीडिएट नेबरहुड में अफगानिस्तान निकल गया, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान जो था दैट वाज अ पॉलिटिकल गेम, अमेरिकन्स ने भी ये कहा यार इनको सार्क के अंदर डालो बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्मल कंट्री बने और आप लोगों के साथ वो करें, और अफगानिस्तान जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस जो इंडिया एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया, उन्होंने कहा जी ठीक है इंडिया नहीं कह रहा था सी भी नहीं जाना, बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था, भूटान भी पीछे हट गया, एक म्यांमार था, म्यांमार की का कोई एक और मसला है, वो एक और चीज़ है, डिफरेंट गेम है, लेकिन सम हाउ इंडिया की नेबरहुड में तो आता था। सो इंडिया ने क्या किया, अब क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है, क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ, नहीं ऐसा तो डल नहीं देखा, साढ़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी, एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस एंड देन बाकी जगहों, सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे, बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की अक्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया।